हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। सबसे पहले दोस्तों, काबिल इंजीनियर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं हर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे वीडियो लेकर आऊँगा, तो आज दोस्तों मेरी वीडियो है, ज़्यादा टाइम को बर्बाद ना करते हुए आपके, भारतीय संविधान में किस देश से क्या क्या लिया है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ से दोस्तों एक या दो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। एक सेकंड दोस्तों, एक सेकंड। पहला क्वेश्चन है, संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है। तो कई बार एसएससी जेई ने पूछा है और वेरियस एग्जाम में पूछते भी हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो दोस्तों, संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है। तो दोस्तों, संविधान में जो संसदीय प्रणाली ली गई है वो ली गई है ब्रिटेन से। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है ना। कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके एग्ज़ाम के लिए कि संविधान में कानून के नियम किस देश से लिए गए हैं। कानून के नियम यानी कि द रूल्स ऑफ लॉ किस देश से लिया गया है। तो दोस्तों, ये भी ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये संसदीय प्रणाली था, ठीक है। पार्लियामेंट्री जो एक्शन होते हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, तो यही ज़्यादातर एग्जाम में आपको दिख जाएगा क्वेश्चन, ब्रिटेन से लिए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखने को मिल सकता है तो कानून के नियम किस देश से लिए गए हैं, ब्रिटेन से लिए गए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न क्या कहता है, संविधान में विधायी प्रक्रिया यानी कि लेजिस्लेटिव प्रोसेस कहाँ से लिया गया। तो दोस्तों, ये प्रोसेस लिया गया है कहाँ से, ब्रिटेन से। ये भी दोस्तों ब्रिटेन से लिया गया है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में एकल नागरिकता यानी कि सिंगल सिटीजनशिप का नियम जो है वो कहाँ से, किस देश से लिया गया। तो ये क्वेश्चन आपको कई एग्ज़ाम में मिल जाएगा, और आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे, एसएससी जेई, जीडी पूछते रहते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये दोस्तों, ये क्वेश्चन भी, ये भी जो दोस्तों ब्रिटेन से लिया गया। कहाँ से लिया गया? सिंगल सिटीजनशिप कहाँ से ली गई दोस्तों? ब्रिटेन से ली गई है। अच्छा, आपको पता है कि भारत में सिंगल सिटीजनशिप है, और अगर मैं अमेरिका की बात करूं, अमेरिका, तो अमेरिका में आपको सभी को पता होगा डुअल क्या है, डबल सिटीजनशिप है, डुअल सिटीजनशिप। तो सिंगल सिटीजनशिप का मतलब और डुअल सिटीजनशिप का मतलब क्या होता है, आप में से बहुत से बच्चों को पता होगा और बहुत से बच्चों को ना भी पता हो, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। सिंगल सिटीजनशिप का मतलब ये है कि हमारे देश में जो प्रत्येक नागरिक है वो भारत का नागरिक है, ना कि राज्यों का, ठीक है। और रही बात अमेरिका की, तो अमेरिका में दोस्तों डुअल सिटीजनशिप है। इसका मतलब ये है कि वहाँ के जो नागरिक है ना, वो अमेरिका के तो नागरिक है ही, बल्कि वो राज्यों के भी नागरिक हैं, ठीक है ना। तो राज्यों से मिलने वाले जो अधिकार हैं वो उनके लिए दायित्व है उनका, और फिर केंद्र सरकार से भी मिलने वाले अधिकार हैं वो भी, वो लोग उनका लाभ उठा रहे हैं, तो दोनों का लाभ उठाते हैं वो। हमारे देश में दोस्तों अगर बात करी जाए तो हमारे देश में कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता है। अमेरिका की बात करी जाए तो वहाँ के राज्य भारत से अलग हो सकते हैं, ठीक है। सॉरी, वहाँ के राज्य भारत से, वो सॉरी, वहाँ के जो राज्य हैं वो अमेरिका से अलग हो सकता है, ठीक है। भारत का राज्य कोई भी भारत से अलग नहीं हो सकता, ये इसका मतलब सिंगल सिटीजनशिप का, डुअल सिटीजनशिप का। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान में द्विसदनात्मक यानी कि बाई कैमरल प्रणाली किस देश से ली गई है। तो दोस्तों, बाई कैमरल प्रणाली भी दोस्तों कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। बाई कैमरल का मतलब दोस्तों होता है द्विसदनात्मक यानी कि लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है। ऐसी राज्य में विधानसभा, विधान परिषद, दोनों को मिला के विधानमंडल। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके एग्जाम में कि संविधान में डीपीएसपी, ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को तो गलत मत करना भाई, ठीक है। सही आंसर है आयरलैंड। कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया, ठीक है। डीपीएसपी, डीपीएसपी की फुल फॉर्म क्या होती है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, ठीक है। इसके अनुसार राज्यों का कर्तव्य होता है कि वे अपने राज्य के लोगों के वेलफेयर के लिए काम करें, यह डीपीएसपी का मतलब होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है,
संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया यानी कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट किस देश से ली गई है? बताइए दोस्तों, जो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट है वो किस देश से लिया गया है? तो वो दोस्तों लिया गया है आयरलैंड से। कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति का चुनाव कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से। अगला प्रश्न है, संविधान में राज्यसभा के सदस्य की प्रणाली किस देश से ली गई है? मतलब जो मेंबर ऑफ राज्यसभा हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? तो वो भी दोस्तों आयरलैंड से लिए गए हैं। तो आयरलैंड से तीन मैंने आपको बता दिया। पहला इम्पोर्टेंट है DPSP, दूसरा इम्पोर्टेंट है प्रेसिडेंट का चुनाव, और तीसरा इम्पोर्टेंट है मेंबर ऑफ राज्यसभा। नाइन्थ प्रश्न कहता है कि संविधान में राष्ट्रपति का महाभियोग यानी कि इम्पीचमेंट प्रोसेस कहाँ से लिया गया है? तो आपको दोस्तों पता है, अभी अभी डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं उन पर इम्पीचमेंट प्रोसेस लगा था, और वो सारे जितने भी उन पर आरोप लगे थे वो वहाँ से बरी हो चुके हैं। तो इसका मतलब इम्पीचमेंट प्रोसेस जो भारत की जो संविधान निर्माता है उन्होंने अमेरिका के संविधान से लिया था। यानी कि इम्पीचमेंट प्रोसेस यानी कि राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल लगता है इसमें, ये आर्टिकल भी पूछ लिया जाता है, आर्टिकल 61। ध्यान रखिएगा, इम्पीचमेंट प्रोसेस तो ये दोस्तों अमेरिका के संविधान से लिया गया था। वर्तमान में दोस्तों भारत के राष्ट्रपति श्री राम नायक कोविंद जी हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान में मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स किस देश से लिए गए? तो फंडामेंटल राइट्स दोस्तों किस देश से लिए गए? ये दोस्तों अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। फंडामेंटल राइट्स दोस्तों पार्ट थर्ड में, दोस्तों फंडामेंटल राइट का वर्णन किया गया है किसमें? पार्ट थर्ड में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता यानी कि जुडिशरी, जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता है फ्रीडम ऑफ जुडिशरी, वो किस देश के संविधान से लिया गया? तो दोस्तों ये अमेरिका के संविधान से लिया गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों मैंने इसलिए बनाए क्योंकि आपके एग्जाम में आ सकते हैं ये क्वेश्चन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यानी कि जज को हटाने की प्रक्रिया कहां से ली गई है? तो ये भी दोस्तों अमेरिका के संविधान से ली गई है। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस देश से ली गई है? अमेरिका, जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है। अगला प्रश्न, अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और जो बच्चे नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा चैनल को, ठीक है, ताकि नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो आए तो वो आपके पास तुरंत आ जाए, ठीक है। संविधान में प्रस्तावना किस देश से लिया गया है? प्रस्तावना यानी कि प्रीएम्बल, तो दोस्तों प्रीएम्बल भी अमेरिका के संविधान से ली गई, ध्यान रखिएगा। अमेरिका के संविधान से कई महत्वपूर्ण अंग जो हैं वो भारतीय संविधान में अंगीकृत हैं, ध्यान रखिएगा। तो अमेरिका के संविधान से दोस्तों प्रस्तावना ली गई है। प्रस्तावना की अगर बात करूँ तो दोस्तों ये भारतीय संविधान का बहुत मूल्यवान टॉपिक है। प्रस्तावना को पढ़ के पूरा भारतीय संविधान का सार पता चल जाता है कि आखिर भारतीय संविधान में है क्या, ठीक है ना। प्रस्तावना की बात करी जाए दोस्तों तो 13 दिसंबर 1949 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दोस्तों संविधान सभा में इसको पेश किया था। दोस्तों मैंने क्या बोला था अभी, संविधान में प्रस्तावना किस देश से ली गई? दोस्तों अमेरिका के संविधान से ली गई है, और इसको दोस्तों 13 दिसंबर 1946 को किसने, जवाहरलाल नेहरू जी ने इसको पेश किया था, और इसको इसमें पूरा संविधान का सार के बारे में बताया गया था कि संविधान का प्रारूप ऐसा है पूरा, ठीक है। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष की अगर बात करी जाए तो वो बाबा साहब अम्बेडकर थे, ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए कि संविधान में मूल कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज किस देश के संविधान से ली गई हैं। तो दोस्तों फंडामेंटल ड्यूटीज की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों ये ली गई हैं रशिया के संविधान से। पहले इसको USSR बोला जाता था लेकिन अब हो गया रशिया। ठीक है, मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल दोस्तों अगर बात करी जाए तो आर्टिकल 51A कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ का आर्टिकल क्या है। आर्टिकल 51A में दोस्तों फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बताया गया है कि भारत का प्रत्येक नागरिक दोस्तों भारत के नेशनल एंथम की सम्मान करेगा, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करेगा, भारत की जितनी भी सार्वजनिक संपत्तियाँ हैं उसके प्रति मतलब उनको तोड़फोड़ नहीं करेगा, भारत के संविधान की को सम्मान देगा, ठीक है, भारत के तिरंगे को सम्मान देगा, ठीक है, भारत के जितने भी संवैधानिक पद हैं उनको सम्मान देगा। तो ये कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं भारत के नागरिक, प्रत्येक नागरिक को पता होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों पढ़ते हैं हम लोग, संविधान में संशोधन प्रक्रिया किस देश से ली गई है। तो दोस्तों संशोधन प्रक्रिया की बात करिए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साउथ अफ्रीका इसका करेक्ट आंसर है। साउथ अफ्रीका दोस्तों संशोधन प्रक्रिया ली गई है साउथ अफ्रीका से। और अगर संशोधन प्रक्रिया की अगर मैं बात करूँ तो कौन सा आर्टिकल काम आता है संशोधन प्रक्रिया के लिए, 368 कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस देश से लिए गए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कई बार एग्जाम में पूछा गया है, संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस देश से लिए गए हैं। तो दोस्तों आपातकालीन प्रावधान जो लिए गए हैं वो लिए गए हैं जर्मनी से। कहाँ से लिए गए हैं, जर्मनी से दोस्तों। जर्मनी की कैपिटल क्या है दोस्तों, कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। ठीक है, जर्मनी की इसका सही आंसर है जर्मनी। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न है संविधान में राज्य के गवर्नर की प्रक्रिया किस देश से ली गई है। गवर्नर, गवर्नर ऑफ स्टेट्स बताइए। तो दोस्तों गवर्नर ऑफ स्टेट की प्रक्रिया ली गई है कनाडा से। कहाँ से ली गई है, कनाडा से, इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों संविधान में संशोधन प्रक्रिया किस देश से ली गई है, साउथ अफ्रीका। कहाँ से ली गई है, साउथ अफ्रीका। ये क्वेश्चन डबल हो गया क्या, हाँ दोस्तों क्वेश्चन डबल हो गया, कोई बात नहीं, रिवीजन ही हो गया हमारा। तो संविधान में संशोधन प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, साउथ अफ्रीका से। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान में गणराज्य की अवधारणा कहाँ से ली गई है, बताइए दोस्तों गणराज्य की अवधारणा। तो ये दोस्तों फ्रांस से लिया गया। कहाँ से लिया गया, फ्रांस से। ये क्वेश्चन आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं आपसे। फ्रांस की कैपिटल बताइए, पेरिस। ठीक है, 20वां क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस देश से लिया गया, बताइए दोस्तों। संविधान में जो जॉइंट सिटिंग बैठते हैं, जॉइंट सिटिंग का जो अनुमोदन किया जाता है वो लोकसभा के स्पीकर करते हैं, और जो जो स्पीच दी जाती है वो राष्ट्रपति जी को पावर होती है कि वो जॉइंट सेटिंग बुलाएं। ठीक है ना, आर्टिकल कौन सा यूज़ होता है जॉइंट सेटिंग में, बताइए। आर्टिकल 108 ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 108 के तहत जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के जो मेंबर्स होते हैं उनकी जॉइंट सेटिंग बुलाते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा। इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया ये प्रावधान। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल बताइए, कैनबरा। अगला प्रश्न है दोस्तों, और ये वीडियो का आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है, संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से लिया गया। समवर्ती सूची यानी कि कॉनकरेंट लिस्ट कहाँ से लिया गया दोस्तों, ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से, इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा। एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो लिस्ट हैं, तीन लिस्ट होती हैं दोस्तों, मैं आपको बता दे रहा हूँ, तीन लिस्ट, तीन लिस्ट की अगर बात करी जाए तो ये कौन से शेड्यूल में, पहली बात तो ये पूछा जाता है किस शेड्यूल में है। तो ये दोस्तों सेवन्थ शेड्यूल है, ध्यान रखिएगा। एक तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है किस शेड्यूल में है, सेवन्थ शेड्यूल में। पहली है दोस्तों यूनियन, दूसरी है स्टेट लिस्ट, और तीसरी है कॉनकरेंट लिस्ट। ये तीन लिस्ट हैं,
इसमें दोस्तों पावर ऑफ डिविजन्स हैं, अलग अलग स्टेट की, राज्य की, केंद्र की अलग अलग पावर के बारे में बताया गया, और शेड्यूल 7 में है ये। इंपॉर्टेंट है, आपसे यहाँ से क्वेश्चन उठता है। नेक्स्ट वीडियो को दोस्तों इंतज़ार करिए आप, एक अच्छे से टॉपिक पे हम लोग वीडियो बनाएंगे, एक अच्छा सा टॉपिक उठाते हैं संविधान में से ही, पॉलिटी में से ही, जो आपके एग्ज़ाम में वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपको दोस्तों क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है, ठीक है ना। सब्सक्राइब इसलिए करना है ताकि नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए बनाऊँ तो वो आपके पास तुरंत वीडियो आ जाए, ठीक है। ओके दोस्तों, अपनी पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।